हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको न्यू पैटर्न फिलर्स को करने की कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा, और इन ट्रिक्स को यदि आप अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश सेक्शन में, बैंक पीओ में, मेंस एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और विद इन सेकेंड्स आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनको मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा, इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए। देखिए, ये है टू स्टेटमेंट फिलर्स, ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, और ये IBPS PO मेंस में, SO में, SBI PO 2020 में और SBI क्लर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाईली यूजफुल एंड हाईली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है, रेड कलर में एक क्वेश्चन दिया है, दो सेंटेंसेस दिए हैं, और इन दोनों ही सेंटेंसेस के लिए आपको एक सूटेबल वर्ड फिट करना है कि वो दोनों ही सेंटेंसेस में सूटेबली फिट हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें ट्रिक ये है कि नॉर्मली ये सेंटेंसेस काफ़ी टफ होते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली इजियर सेंटेंस को देखना है, जो सरल सेंटेंस है उसको आपको देखना है, और वहाँ पर एक सूटेबल फिट वर्ड को मैच करने की कोशिश करनी है। यदि यहाँ पर वो फिट हो जाता है तो यहाँ पर वो अपने आप फिट हो जाएगा। अब देखिए, अ लकी एक्सीडेंट हैड ऑर्डेंड दैट द ऑस्ट्रियन आर्मी शुड। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा टफ लग रहा है। अब देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, ड्यूरिंग द सीजनल सेल एट द मॉल इट इज ऑफन इम्पॉसिबल टू वंस शॉपिंग कार्ट थ्रू द क्राउडेड स्टोर आइल्स। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे 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 आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं और इस तरह से दुकानें रहती हैं, ठीक है, दुकानों के बीच में एक पैसेज रहता है, एक रास्ता रहता है, और जो भी आप सामान खरीदते हैं आपको एक शॉपिंग कार्ट मिलता है, उसमें आप शॉपिंग कार्ट में वो सामान रखते जाते हैं, और यहाँ से आप इस तरह से आप घूमते जाते हैं, उस शॉपिंग कार्ट को लेके इस तरह से आप घूमते जाते हैं। तो इस तरह से घूमने के लिए, चूंकि यहाँ पर सीजनल सेल की बात हो रही है, और सीजनल सेल के समय मॉल में काफ़ी भीड़ रहती है, तो उस समय शॉपिंग कार्ट को घुमाना या उसको ले जाना एक स्किल वाला काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप मैन्यूवर लगाते हैं तो ये वर्ड एकदम सूटेबल होगा, क्योंकि मैन्यूवर का मतलब होता है मूव स्किलफुली। जैसे जैसे एक रोड है और उस रोड पर काफ़ी भीड़ है और आपको वहाँ पर तेज मोटरसाइकिल चलाना है, तो उसके लिए काफ़ी स्किल्स चाहिए कि किस तरीके से आप उस मोटरसाइकिल को, किस तरीके से आप उसको एक्सेलरेट करेंगे, किस तरीके से गियर्स को चेंज करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे पूरी मोटरसाइकिल को। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूवरिंग उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी मैन्यूवर वर्ड एकदम सूटेबल फिट हो रहा है। जब यहां पर ये मैन्यूवर वर्ड सूटेबल फिट होगा तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहां पर फिट हो जाएगा। तो ये है ट्रिक, इसमें ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। शॉप का मतलब होता है पुश करना, ठीक है। प्रोमिनेट का मतलब होता है वॉक करना। एम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लेजरली वॉक कर रहा है, जिसके पास फ्री टाइम है और आराम से गार्डन में घूम रहा है या कुछ सोच रहा है, तो जो लेजरली वॉक होता है उसको हम बोलते हैं एम्बल, और प्रोसीड वर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैन्यूवर यहाँ पर एकदम सही चॉइस है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, दोनों क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, या जब कभी कभी तीन सेंटेंसेस आते हैं तो तीन में भी आपको तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक सेंटेंस को पढ़ना है उस, लेकिन उस एक सेंटेंस में आप 100% कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि यहाँ पर यही वर्ड आ सकता है, तो दूसरे में वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मैन्यूवर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर टू, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर टू, इट वॉज एन एरर। तो एरर से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, एरर कैसी हो सकती है, देखिए एरर अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती, एरर नेग्लिजिबल नहीं हो सकती, क्योंकि नेग्लिजिबल जो वर्ड है ये अमाउंट के लिए आता है, नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट। अनप्रिडिक्टेबल मिस्टेक के साथ, देखिए यहां पर मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूं, और कॉन्टेक्स्ट बहुत ही जरूरी है बैंकिंग एग्जाम्स में। अनप्रिडिक्टेबल एरर को एरर के साथ हम नहीं बोल सकते, वंडरफुल एरर वंडरफुल नहीं हो सकती है। यहां पर केवल दो ही चॉइसेस आ सकती हैं, या तो सिली आ सकता है या ब्लेटेंट आ सकता है, ठीक है। अब देखिए पूरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सपोज ये सेंटेंस थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको मत पढ़िए, ये सेंटेंस सरल लग रहा है, इसको केवल पढ़िए। इट वॉज एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्क्यू डाइवर टू बी सो लेथार्जिक। देखिए ये सिंपल सा वर्ड है, डाइवर का मतलब जैसे जो डाइव करके नदी में या समुद्र में या पॉन्ड में कहीं पर भी जाता है, किसी व्यक्ति को बचाता है, दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू डाइवर, ठीक है। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहां पर कॉन्टेक्स्ट ये बोल रहा है कि रेस्क्यू डाइवर ने किसी को बचाया,
लेकिन सभी लोगों ने देखा कि वो लेथार्जिक था, वो आलसी था, वो उतनी अच्छी तरीके से एक्ट नहीं कर पाया और उसको बचा नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि वो ये मिस्टेक उसने की वो ऑब्वियस मिस्टेक थी, वो कंस्पिकुअस मिस्टेक थी, वो सभी को पता थी कि ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। वो मिस्टेक ऐसी नहीं थी कि छुपी हुई मिस्टेक थी, सभी लोग उसको देख रहे थे, क्योंकि रेस्क्यू डाइवर की इसमें बात हो रही है, यानी वो जो मिस्टेक थी वो ब्लेटेंट मिस्टेक थी, ठीक है, ऑब्वियस थी, खुलेआम थी, वो कंस्पिकुअस थी। तो यहां पर जो सही वर्ड आएगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो आएगा ब्लेटेंट, सिली नहीं, सिली तो मिस्टेक तो सारी ही सिली होती हैं, लेकिन ये ब्लेटेंट मिस्टेक थी। अब देखिए यहां पर इसका आंसर मैंने निकाल दिया, मैंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, और ये इसका आंसर बिल्कुल सही निकल के यहां पर आ गया। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताता हूं, देयर वाज ए लॉट ऑफ ओवर द क्वालिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द इंपोर्टर। क्वालिटी ऑफ गुड्स, एक इंपोर्टर ने, इंपोर्टर को सामान आया, ठीक है, उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, तो उस पर क्या होगा। अब देखिए यहां पर मैं एलिमिनेट करके बता देता हूं कि इंपोर्टर के पास जो क्वालिटी आई गुड्स की, सामान की, अपहीवल वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि अपहीवल का मतलब होता है उठा पटक या अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। रूलिंग वर्ड इनएप्रोप्रिएट है, वर्डिक्ट का मतलब होता है कोई जस्टिस, तो ये इसमें इनएप्रोप्रिएट है, केवल कंटेंशन और डिस्कशन ही आ सकता है। अब यहां पर क्या वर्ड आएगा, क्या डिस्कशन वर्ड आएगा, क्या यदि आपको किसी चीज की क्वालिटी सही नहीं लगी है तो काफी सारे लोग हैं, 10-20 लोग हैं, तो क्या उनके ऊपर डिस्कशन होगा या कंटेंशन होगा। कंटेंशन इसलिए होगा क्योंकि वहां पर एक डिसएग्रीमेंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुअर क्वालिटी है, कुछ लोग बोल रहे हैं चलो ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं इसको वापस करो, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअली कंटेंशन है, डिसएग्रीमेंट है। अब देखिए एक वर्ड और आया है यहां पर, एक कीवर्ड देखिए, यदि ये यहां से क्लियर नहीं हो रहा तो यहां पर देखिए, यहां से मैं इसको आपको बता देता हूं, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मीडिएशन करना, बीच बचाव करना, और आर्बिट्रेशन जो वर्ड है ये डायरेक्टली रिलेटेड है कंटेंशन से। जब कंटेंशन होता है तभी आर्बिट्रेशन होता है, जब कंटेंशन होता है मतलब डिसएग्रीमेंट, किसी पॉइंट के ऊपर दो लोगों के बीच या चार लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड कंटेंशन, और कंटेंशन जब होता है तब आर्बिट्रेशन होता है। सॉरी तो आप देख सकते हैं कि कंटेंशन यहां पर आपका सही आंसर होगा। मैंने किस तरीके से ट्रिक्स से जस्टिफाई किया इस आंसर को कि केवल यहां पर यही आंसर आ सकता है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है, ये बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं और सभी बैंकिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली ये पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखिए द टर्म ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल इशूज वर, यहां पर आपको वर लगा हुआ है तो यहां पर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, बिटवीन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स एंड द कॉर्पोरेशन इशूइंग द सिक्योरिटी। दो पार्टीज के बीच में जो टर्म्स होती हैं उनको हमेशा नेगोशिएट किया जाता है, टर्म्स को हमेशा नेगोशिएट किया जाता है। इसके अलावा नेगोशिएट जो वर्ड है ये थर्ड फॉर्म में भी है, तो ग्रामर के हिसाब से भी ये सही है। अब आप बोलेंगे कि ये यहाँ पर ये वर्ड कैसे आएगा नेगोशिएट। देखिए नेगोशिएट वर्ड का मतलब ये भी होता है कि कोई कठिन पाथ है, ठीक है, वहाँ से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ है और वहां पर रास्ता ढूंढ निकालना, बाहर निकलने का, कि कैसे आप बाहर निकलेंगे, तो उस चीज को भी हम नेगोशिएट बोलते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे द रेंजर्स हैड नेगोशिएटेड, मतलब वहां पर उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था या इतना रास्ता कवर कर लिया था, तो उस सेंस में भी नेगोशिएटेड वर्ड यहां पर सही है। और नेगोशिएटेड दो पार्टी के बीच में जो नेगोशिएशंस होते हैं जिसके बाद में सेटलमेंट होता है, तो उस सेंस में भी नेगोशिएटेड यहां पर सही आंसर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा नेगोशिएटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ ट्रबल्ड स्टूडेंट एंड हिज पीएचडी गाइड अ वे फॉर वेबसाइट टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्पैम विच ट्रबल्ड इंटरनेट यूजर इन द ईयर 2000। तो यहां पर डेफिनेटली पास्ट टेंस का एक वर्ड चाहिए कि एक ट्रबल्ड स्टूडेंट जो था उसने किसी चीज को इन्वेंट किया, तो इन्वेंटेड से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए। इन्वेंट वर्ड यहां पर दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको सेकंड फॉर्म में वर्ब चाहिए, तो सेकंड फॉर्म में जो वर्ब होगी वो होगी डिवाइज्ड, ठीक है। देखिए क्रिएट तो सेकंड फॉर्म में नहीं है, डेवलप सेकंड फॉर्म में नहीं है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में नहीं है। यदि आप थॉट लगाते हैं तो थॉट के बाद जो वर्ड जो प्रपोजिशन आता है वो आता है ऑफ, थॉट ऑफ, आई थॉट ऑफ इन्वेंटिंग दिस थिंग, ठीक है, आई थॉट ऑफ गोइंग देयर, तो थॉट के बाद हम ऑफ लगाते हैं तो ऑफ तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। डिवाइस में, डिवाइस का मतलब इन्वेंट भी होता है और पास्ट टेंस में भी है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। देखिए सेकंड सेंटेंस को मैंने पढ़ा भी नहीं, फर्स्ट सेंटेंस में ही इसका सही आंसर निकाल दिया,
और यही तरीका है जिसको रैंकर्स और टॉपर्स बैंकिंग एग्जाम्स में और दूसरे सभी एग्जाम्स में अपनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूं, द स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग वॉज आफ्टर द फिनिशिंग टचेस वर एग्लो इन सनलाइट डिलाइटिंग द ऑडियंस। म्यूजियम को यहां पर एक लास्ट फाइनल फिनिशिंग टच दे दिया गया है और नया नया म्यूजियम बना है वो क्या कर रहा है, वो जगमगा रहा है। देखिए एक कीवर्ड है यहां पर एग्लो, एग्लो मतलब चमकदार, ठीक है, वो जगमगा रहा है लाइट में, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एग्लो का इक्विवेलेंट वर्ड है डेजलिंग, और डेजलिंग का इक्विवेलेंट वर्ड है स्प्लेंडेड, ठीक है। तो यहां पर स्प्लेंडेड एक सही चॉइस है, और यहां पर सेकंड में अफेयर से पहले भी हम स्प्लेंडेड वर्ड को लगा सकते हैं, इट वॉज अ स्प्लेंडेड अफेयर, क्योंकि स्प्लेंडेड का मतलब शानदार भी होता है, ठीक है। इनेमर्ड का मतलब होता है किसी से कैप्टिवेट हो जाना, आकर्षित हो जाना, ठीक है। रिवर्बीरेटिंग मतलब एको, जिसको प्रतिध्वनि होना। इनकॉन्ग्रुअस मतलब मिसमैच, सरप्राइजिंग नहीं हो सकता ये, सरप्राइजिंग अलग चीज होती है। तो स्प्लेंडेड यहां पर एकदम सूटेबल आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। यदि मेरे वीडियो क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो क्लास कैसा लगा। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।